टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सी बी एस ई इंग्लिश क्लास सिक्स चैप्टर सेवन फेयर प्ले क्वेश्चन नंबर वन मेज द सेंटेंसेज अंडर फर्स्ट विद दोज अंडर सेकंड यहाँ फर्स्ट ग्रुप में फाइव सेंटेंसेज दिए हैं और सेकंड ग्रुप में भी फाइव सेंटेंसेज दिए गए हैं हमें इन्हें मैच करना है लेट्स स्टार्ट फर्स्ट जुम्मन एंड अलगू आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स जुम्मन और अलगू बेस्ट फ्रेंड्स थे इसका होगा इन द एबसेंस ऑफ वन द अदर टू केयर ऑफ इस फैमिली एक के अनुपस्थिति में दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता था सेकंड जुम्मन से ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम जुम्मन की चाची ने अपनी संपत्ति उसके नाम कर दी फोर्थ होगा इसका द कंडीशन वॉज देट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर और कंडीशन यह थी कि वह उनकी वेलफेयर के लिए जिम्मेदार होगा थर्ड द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत आंटा ने पंचायत में अपील करने का डिसाइड किया निश्चित किया इसका होगा सेकंड शी वांटेड जस्टिस वह न्याय चाहती थी फोर्थ अलगू वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट अलगू चाची की सहायता नहीं करना चाहता था इसका होगा फिफ्थ द बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वाज वेरी स्ट्रोंग मीन्स उसके और जुम्मन के बीच दोस्ती बहुत मजबूत थी फिफ्थ जुम्मन वाज वेरी हैप्पी टू हियर अलगू नेम ने मे इज़ हेडपंच जुम्मन बहुत खुश हुआ अलगू का नाम पंच के रूप में सुन के इसका होगा फर्स्ट ही विल्यूड दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम उसने उसको यह भरोसा था कि उसका दोस्त कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा उसके पक्ष में ही फैसला सुनाएगा क्वेश्चन टू हु सेज दिस टू हुम एंड वाई यह किसने कहा था और क्यों कहा था फर्स्ट माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस मीस मेरी वाइफ अच्छे से घर चलाना जानती है ये कहा था जुम्मन सेट दिस टू हिज आंट जुम्मन ने अपनी आंट को कहा था बिकॉज ही वॉज शेमलेस एंड हैड ग्रोन टायर्ड ऑफ हर क्योंकि वह अपनी चाची की देखभाल करके थक गया था और वह बहुत बेशर्म हो गया था अब सेकंड है बट इट इज राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर आपकी बात सही है बेटा लेकिन क्या चुप रहना और कुछ नहीं कहना आप मेरी स्थिति को देखते हुए भी आप विचार करते हुए भी जो सही है आप वो नहीं कहेंगे क्या ये कहा था जुम्मन सैंट सेंट दिस टू अलगू जुम्मन की आंट ने अलगू को कहा था शी हेड गॉन टू अलगू फॉर हेल्प वह अलगू के पास हेल्प के लिए गई बट अलगू हेड पोलाइटली रिफ्यूज हर प्ली लेकिन अलगू ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया था ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द पंचायत वह पंचायत में नहीं जाना चाहता था बिकॉज जुम्मन वॉज हिज फ्रेंड एंड ही कुड नॉट गो अगेंस्ट हिम क्योंकि जुम्मन उसका दोस्त था वो अपने दोस्त के विरुद्ध नहीं जाना चाहता था थर्ड वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते थे चाहते हैं ये अलगू सेडिस्ट जो मन अलगू ने यह बात मन से कही अलगू आज मेड द हेड पंच बाय द आंट हैडपंच को चाची के द्वारा हेड पंच बनाया गया था एंड ही दिस टू क्वेश्चन जुम्मन अबाउट हीज मिस ट्रीटमेंट ऑफ द आंट और उसने यह क्वेश्चन जुम्मन से कहा था अपने मिस ट्रीटमेंट के कारण अपने खराब ट्रीटमेंट के कारण जो आंट के साथ करता था फोर्थ आई कॉन्ट पे यू अ पेनी फॉर द फ्रेस्ड बी बिज टू शोल्डर में मैं आपको एक पैनी भी नहीं दूंगा मीन्स एक पैसा भी नहीं दूंगा आपने मुझे जिस नस्ल का बेल बेचा था ये कहा था समझू साहू ने समझू साहू सेट दिस टू तो अलगू वैन अलगू डिमांडेड पेमेंट फॉर द बुलक जब अलगू ने अपने बैल की कीमत मांगी तब समझू साहू ने ये कहा था ही हेड शोल्डर टू समझू द बुलक हैदिन अ मंथ एंड साहू रिफ्यूज टू पे फॉर इट बुलक जो बैल था वह एक महीने के अंदर ही मर गया था इसलिए साहू ने उसका पेमेंट देने से इनकार कर दिया था फिफ्थ विक्ट्री टू द पंचायत दिस इज जस्टिस पंचायत की जय हो यही न्याय है अलगू सेट दिस ओवर एंड ओवर अगेन इन फ्रंट ऑफ द विलेज अलगू ने यह गांव के सामने बार बार कहा ही वॉज हैप्पी दैट जुमन हैड नोट डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस इन स्प्रिट ऑफ द एनमिटी बिटवीन देम क्योंकि वह बहुत खुश हो गया था कि जुमन ने जुम्मन न्याय के रास्ते से नहीं हटा जबकि उन दोनों के बीच में शत्रुता की भावना थी है ना क्योंकि जुम्मन अलगू को अपना फ्रेंड नहीं मानता था फिर भी उसने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और न्याय किया नाउ सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना चेंजड परिस्थितियां बदल गई वॉट इज बींग रेफर्ड टू यह किससे संबंधित है पैराग्राफ नंबर टू में इसका आंसर आपको मिलेगा आंसर द सिचुएशन ऑफ द आंट इन जुम्मन हाउस चेंज्ड यानी जुम्मन के घर में चाची की परिस्थिति बदल गई थी अर्लियर शी वॉज बींग टेकन केयर ऑफ बट थिंग्स चेंज्ड शुरू में उनकी देखभाल की गई थी लेकिन उसके बाद चीजें बदल गई एंड शी वॉज इल ट्रीटेड और उनके साथ खराब व्यवहार किया जाने लगा क्वेश्चन टू वैन जुम्मन आंट रिल रियलाइज दैट शी वॉज नॉट वेलकम इन हिज हाउस वॉट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्ट जब जुम्मन की चाची को महसूस हो गया कि घर में उनका स्वागत नहीं किया जाता उन्होंने क्या व्यवस्था करने का सजेशन दिया था ये पैराग्राफ थ्री में इसका आंसर है आंसर शी सजेस्टेड दैट शी गेट्स मंथली अलाउंस फ्रॉम जुम्मन उन्होंने यह सजेस्ट किया था यह राय दी थी कि उन्हें हर महीने कुछ भत्ता मिलना चाहिए जुम्मन से भत्ता मींस कुछ रुपए शी कुड नॉट हैंडल द इंसल्ट एनी मोर क्योंकि वह अब अपमान सहन नहीं कर सकती थी Uh, गाँव वालों की क्या प्रतिक्रिया थी जब आंट ने अपनी परिस्थिति उनके सामने एक्सप्लेन की पेराग्राफ फोर में आंसर है आंसर विलेजर्स ने मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की सम सिंपेथाइज विथ हर कुछ उसके साथ सहानुभूति बताते थे सम लॉ हर कुछ उन पे हंसते थे एंड सम अदर्स सेड दैट शी शुड ट्राई टू मेकअप विद जुम्मन एंड हिज वाइफ और कुछ ये राय देते थे कि उन्होंने जुम्मन और उसकी पत्नी के साथ समझौता कर लेना चाहिए और झगड़ा खत्म कर देना चाहिए क्वेश्चन फोर वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन इज हेडपंच क्यों जुम्मन बहुत खुश हुआ जब अलगू को हेडपंच बनाया गया पेराग्राफ सिक्स आंसर जुम्मन वॉज हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन इज हेड पंच बिकॉज अलगू वॉज इज फ्रेंड एंड ही न्यू डेट ही वुड नॉट गिव अ जजमेंट देट गोस अगेंस्ट हिम जुम्मन बहुत खुश हुआ जब अलगू को पंच के हेडपंच बनाया गया क्योंकि अलगू उसका अच्छा दोस्त था और वो जानता था कि उसका दोस्त उसके विरुद्ध कभी भी फैसला नहीं सुनाएगा क्वेश्चन फाइव गोड लिवस इन द हार्ट ऑफ द पंच ईश्वर पंच के हृदय में निवास करते हैं द आंट सेट आंट ने कहा वॉट डिट शिमेंट उनका क्या अर्थ था शी शीमिंट टू रिमाइंड अलगू देट पंच होल्ड सपोजिशन इक्वल टू गोट चाची का यह मतलब था अलगू को उन्होंने यह याद दिलाया कि पंच की स्थिति ईश्वर के समान होती है सो ही शुड नेवर बी बाइज इसलिए उसे कभी भी अपने पद से भटकना नहीं चाहिए ही शुड बी जस्ट एंड फेयर उसे न्याय करना चाहिए और सही न्याय सच्चा न्याय करना चाहिए क्वेश्चन सिक्स वॉट वाज अलगूस वर्डिक्ट एज हेडपंच अलगू कामत क्या था हेडपंच के रूप में हाउ डिट जुम्मन टेक इट जुम्मन ने इसे कैसे लिया पेरेग्राफ सेवन और एट में आंसर है आंसर अलगू गेवर्डिक्टेट शॉकड जुम्मन अलगू ने एक मत दिया एक फैसला दिया जिसने जुमन को शॉक कर दिया he asked to pay monthly allowance to his aunt. उसने फैसला सुनाया कि जुम्मन को हर महीने कुछ रुपए अपने आंट को देना चाहिए अलाउंस या रुपए। जुम्मन वॉज वेरी अपसेट जुम्मन बहुत उदास हुआ एट दिस जजमेंट इस निर्णय पे एंड ही और उसके बाद वह अलगू को अपना शत्रु मानने लगा क्वेश्चन सेवन अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन टाइट स्पोर्ट अलगू ने खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाया वॉट वॉज हिस प्रॉब्लम उसकी समस्या क्या थी हैड सोल्ड थीगू हेट टू साहू अलगू ने एक बैल साहू को बेचा साहू हैड दैट ही विल पे फॉर द बुलक इन अ मंथ और साहू ने उसे वादा किया था कि वह बैल की कीमत एक महीने में चुका देगा बट द बुलक डाइड भी इन अ मंथ लेकिन बैल एक महीने में ही मर गया अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट अलगू ने खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाया बिकॉज साहू रिफ्यूज टू पे मनी फॉर द बुलक Yes, it died, क्योंकि उस बैल की कीमत देन से मना कर दिया था क्योंकि अलगू उदास क्यों था जब जुम्मन का नॉमिनेशन जुम्मन को प्रस्तावित किया गया पंच के रूप में यानी जुम्मन को हेडपंच बनाने पर अलगू उदास क्यों हो गया एंसर अलगू वाजअसेट ओवर जुम्मन नॉमिनेशन एज हेडपंच अलगू जुम्मन को हेडपंच बनाए जाने पर उदास हो गया बिकॉज ही वॉज सर्टेन डेट जुम्मन विल टेक रिवेंज ऑफ द जजमेंट दैट अलगू हैज़ गिवन अर्लियर क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि जुम्मन बदला लेगा उस निर्णय पर जो कि अलगू ने पहले दिया था मीन्स अलगू ने पहले जो निर्णय दिया था उससे जुम्मन बहुत नाराज हुआ था तो अब वो जुम्मन अब अपना बदला लेगा इसलिए अलगू बहुत उदास था

टू बी अनबायस्ड उसे अनबायस्ड नहीं होना चाहिए उसे अपने पद से भटकना नहीं चाहिए जुम्मन वर्डिक्ट वाज देट साहू शूट पे अलगू द अमाउंट ऑफ द बुलक तो इसलिए जुम्मन ने यह मत दिया था यह फैसला सुनाया था कि साहू को अलगू को पेमेंट करना पड़ेगा बैल की कीमत साहू को अलगू को अदा करनी होगी अलगू आज एक्सट्रीमली हैप्पी एट द वर्डिक्ट और अलगू इस निर्णय को सुन बहुत खुश हुआ ही बिगेन टू शाउट दैट इट वॉज द विक्ट्री ऑफ द पंचायत और वह जोर से चिल्लाया कि यह पंचायत की विजय पंचायत की सदैव ही जय हो न क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट इनमें से कौन से सेंटेंस स्टोरी को बहुत बेस्ट बता रहा है कौन अच्छे से एक्सप्लेन करता है फर्स्ट आई आल्सो नो दैट यू विल नॉट किल यूर साइंस फॉर द सेक ऑफ़ फ्रेंडशिप मीन्स आप दोस्ती के लिए अपनी चेतना को नहीं मारोगे मैं जानती हूँ सेकेंड लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी और कोई भी व्यक्ति दोस्ती या शत्रुता के लिए सत्य और न्याय के रास्ते से नहीं भटक सकता थर्ड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड पंच की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ होती है गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस आपको इनमें से कौन सा बहुत अच्छा लगा है अब देखिए मुझे इन माई ओपिनियन लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप एंड एंड बिटी सम्स ऑफ द स्टोरी मुझे ये ओपिनियन है मेरा कि कोई भी व्यक्ति सत्य और न्याय के रास्ते से दोस्ती या शत्रुता के लिए नहीं भटक सकता यह स्टोरी को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है द बेस्ट इज इट क्लियरली शोज वाई जुम्मन एंड अलगू वर नॉट एबल टू गिव रॉन्ग वर्डिक्स बींग एट द पोजिशन ऑफ पंच ये बताते हैं क्लियरली कि जुम्मन और अलगू दोनों जब पंच के पद पर बैठे तो उन्होंने दोनों ने किसी ने भी गलत निर्णय नहीं दिया जस्टिस शुड ऑलवेज प्रीवेल यानी हमेशा ही उन्होंने न्याय किया और सत्य की जीत हुई सो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सेवन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो